अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? सॉरी फॉर बीइंग लिटिल बिट लेट। असल में ये खुल नहीं रहा था मुझसे, मतलब मुझसे जो पीडीएफ है ना वो खुल नहीं रहा था। तो अब जो है इसके ऊपर मैं राइट अप नहीं कर सकूँगी, थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। कैसे हैं सब? अच्छा, हम लोग जो है ना वो स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स से, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं रिवीजन क्लासेस दे रही थी तो मैंने जो है वो मोस्ट प्रोबेबली बायो की बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करवाई हैं और केमिस्ट्री की भी बहुत सारी पूरी ऑर्गेनिक सीरीज़ रिवाइज करवाई है, और जो फिज़िक्स है उसका मैंने बहुत कम सा पोर्शन रिवाइज करवाया। तो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द फिज़िक्स, और मैं इसके ऊपर लिख नहीं सकती क्योंकि ये टाइप एडिटिंग नहीं हो सकती इसके ऊपर, यही मसला चल रहा था इसी वजह से। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड मोशन से। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपके एमडीकैट में आ रहा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड मोशन। हम लोग फिज़िक्स से स्टार्ट लेंगे इसके अंदर। इन द लास्ट ऑफ द सेशन आई डिस्कस दोज थिंग एज वेल, फॉर एग्जांपल वो चीज़ें, सारे फार्मूलाज एक जगह मैंने गैदर किए हुए हैं, और ये जो पीडीएफ जो आप देख रहे हैं ना ये मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स हैं। जब मेरे टाइम में मैंने एमडीकैट दिया था तो उस टाइम मैंने नोट्स बना के पढ़ा था, तो ये उस टाइम के मैंने नोट्स वाले बनाए हुए थे। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, और उस टाइम भी मैं आफ्टर रीडिंग ईच एंड एवरी चैप्टर आई यूज़ टू मेक फिज़िक्स के फार्मूला ऑफ एवरी चैप्टर। तो इस चैप्टर के एंड में आप लोग फिज़िक्स के फार्मूला भी देखेंगे। और ये जो पीडीएफ है, अब आप लोग मुझसे ये पीडीएफ मत मांगिएगा, लाइफ सेव होगी या नहीं आई एम नॉट श्योर, बट आई विल ट्राई के सेव हो जाए। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। जो ड्राइव मैंने बनाई है दैट इज़ गोल्ड बंडल ड्राइव, इट हैव एवरीथिंग इन इट, आल्सो दिस पीडीएफ और सारे जो सारी पीडीएफ अलोंग विद दिस जो आपके फार्मूलाज हैं, यूनिट्स हैं, वो डिफरेंट अलग से दी हुई हैं। तो आई थिंक ये ड्राइव इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। आपको जस्ट एक दफ़ा सारा रिकॉल हो जाएगा, पूरी बुक जो आपका है, तो इट इज़ गोइंग टू बी यूज़फुल फॉर यू। ओके, सबसे पहले फोर्स एंड मोशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने ये डिस्कस किया हुआ है अबाउट द ड्राइव, हाउ कैन यू गेट द ड्राइव। बेसिकली ड्राइव हैव द चार्ज एज वी पुट द फुल एफर्ट इन इट, सो ऑफ कोर्स वी हैव सम चार्जेस फॉर दैट एज वेल, दैट इज़ 2000 रुपीज फॉर द फुल ड्राइव। एंड ड्राइव वी हैव द बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोट्स, उसके MCQs, मैं आपके साथ वो कॉलम भी शेयर करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए वो ड्राइव कैसी दिखती है। And that gold drive have everything in it. The past paper, past paper के साथ की भी है, और past paper अलग अलग से दिए हुए ताकि आप आराम से सॉल्व कर सको, और physics के मेरे अपने notes, जो मेरी sister के notes and all that, everything is included in it. तो and it have charges, तो you have to pay the charges and then you will get that. देखिए, fee जो है ना वो कम नहीं हो सकती, because इस जितनी fee है ना, मुझे लगता है ये उस fee जो है ना उसके हिसाब से बहुत कम है जितनी उस पर effort हुई है। और ये पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी नहीं है क्योंकि उस पर भी हमारा काम चल रहा है, बट प्लीज़ इट्स नॉट फॉर द पंजाब वन। बहुत मैंने ड्राइव के जो MCQs है ना वो अपने मैक्सिमम ऐसे बनाए हैं जो बहुत ज़्यादा लाइक हाई प्रायोरिटी वाले हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं दिस थिंग्स काइंडली। आप अभी अपनी डिस्कशन स्टॉप कर लेते हैं, हम स्टडी करते हैं। यू मस्ट नीड टू हैव अ पेंसिल एंड कॉपी विद यू। इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो आपको लाइक हेल्प आउट करेंगी, तो आप लोग वो की पॉइंट्स लिख लीजिएगा। सो फोर्स एंड मोशन, व्हाट इज़ अ फोर्स? तो हम लोग जो नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं ना फोर्स की, वो यही है कि मास और एरिया। फोर्स क्या होता है? मास और एरिया को मल्टीप्लाई करके हमारे पास फोर्स आता है। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। मैं लिख नहीं सकती, अगेन आई एम सेइंग यू गाइस कैन राइट इट, क्योंकि आपके पास पेन एंड पेंसिल है, बट आई कांट राइट। तो जो मैं बोल रही हूँ वो आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए। ये हम एक नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये एक ऐसी एजेंट है जो स्टेट को चेंज कर लेती है, बट हमारे पास एग्जाम में MCQ इस तरह का आया हुआ था कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यू मस्ट नो कि लीनियर मोमेंटम का चेंज क्या होता है। ठीक है, यानी लीनियर मोमेंटम पर टाइम क्या कहलाता है? इट इज़ कॉल्ड एज फोर्स। ठीक है, सो व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम? फोर्स होता है ये। मैं जो है वो कुछ देर के लिए ऑफ कर रही हूँ चैट बॉक्स, जब आप लोग पढ़ लेंगे उसके बाद मैं चैट बॉक्स इंशाल्लाह ऑन कर लूँगी। अच्छा, व्हाट इज़ अ फोर्स? फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहलाता है फोर्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का एक MCQ इस पास पेपर में आया हुआ है कि फोर्स क्या होता है। इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है,
अब आपसे ये भी बोल सकते हैं कि ये बताएं कि फोर्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम। तो यू मस्ट नो कि इट्स अ लीनियर मोमेंटम, नॉट एंगुलर। ठीक, अब हम बात करते हैं टेंशन। अब टेंशन क्या होती है? टेंशन इज़ बेसिकली वो टेंशन नहीं जो आपको भी हो रही है। बेसिकली हम लोग जो है ना टेंशन इन स्ट्रिंग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, दैट इज़ टेलिंग द कि टेंशन स्ट्रिंग के पास कैसी टेंशन है, उसके पास कैसा फोर्स है, ठीक है, जो उसे पुल कर रहा है। बेसिकली टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो आपके पास ना इस तरह की दो डेरिवेशंस आती हैं। एक होती है जब मास डाउनवर्ड मूव कर रहा है, दोनों मास डाउनवर्ड कर रहे हैं, स्ट्रिंग से अटैच हैं और दोनों मास डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है इसके, इसमें की पॉइंट है ये कि आपके पास इस तरह का एक MCQ आया हुआ था कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने ये बात याद रखनी है कि मास वन जो होता है ना वो हमेशा ग्रेटर होता है मास टू से, ठीक है। क्योंकि मास वन डाउनवर्ड मूव करता है तो मास वन हमेशा बड़ा होगा। अगर आपके पास MDCAT में ये करते हैं कि दो मासेस गिवन हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल दो मासेस गिवन हैं और उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको ट्रिक चलनी, वो आपके लिए आसानी नहीं पैदा करेंगे, मुश्किल पैदा करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट चेक कर सकें। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि मास वन जो है ना वो हैवी मास होता है। जब भी याद रखना है ना, आपने जब फॉर्मूला भी लिखा है ना तो मास वन आपने हैवी लिया। वो क्या करेंगे, आपको अजप्शन देंगे एक MCQs में और उसमें ये बोलेंगे कि जो आपका शॉर्ट मास है ना, छोटा मास है, जो हैवी नहीं है, जो लाइटर बॉडी है, वो आपके पास M1 है, जो हैवी बॉडी है वो M2 है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि मास वन क्या है, हैवी बॉडी है, लेकिन इन्होंने क्या दिया हुआ है, लाइटर बॉडी। तो आपने मास वन को खुद ब खुद चेंज कर लेना है। आपने लिखना है मास वन इज इक्वल्स टू मास टू दिया हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना कि मास वन 9 kg है, तो उन लोगों ने उस जगह 9 की जगह उन्होंने M2 कर दिया उसको, ताकि आपको कन्फ्यूज़ कर सकें, ठीक है। तो आपने फार्मूला को उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, क्योंकि आपको पता है कि मास वन क्या होता है, इट्स अ हैवी बॉडी ऑलवेज। तो इसका फार्मूला क्या होता है एसिलरेशन और टेंशन के लिए, इसका फार्मूला ये होता है A इज इक्वल्स टू जी M1 माइनस M2 M1 प्लस M2। ये एसिलरेशन के लिए। अब टेंशन के लिए क्या फार्मूला होता है, इसकी डेरिवेशन पर मत जाइएगा, डोंट गो ऑन डेरिवेशन, आपको डेरिवेशन कोई नहीं पूछता। टेंशन क्या फार्मूला है, 2 M1 M2 G M1 प्लस M2, ये आप अपने पास लिख लें, ठीक है। इन द एंड ऑफ द फिजिक्स की फार्मूला में आपके पास ये भी लिखा होगा, बट आप ही लिख लें। क्लियर है यहाँ तक सबको बात? अच्छा, अब आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ मास ऑफ अ बॉडी रिड्यूस व्हाट विल अफेक्ट एसिलरेशन और टेंशन। यानी आपके मासेज में चेंज आ रहा है, हर मास में चेंज, M1 में भी चेंज आ रहा है और M2 में भी चेंज आ रहा है। तो आपने इसमें एक ट्रिक याद रखनी है, आप इसे लिख लें, जब भी मासेज यानी सारे मास, M1 भी चेंज हो रहा है और M2 भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं। सो इसका ये मतलब हुआ कि जब M1 और M2 बोथ चेंज हो रहे हैं तो इस सिचुएशन में जो एसिलरेशन और टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपने डायरेक्ट याद रखना है। मैंने यहाँ पर की पॉइंट करके लिखा हुआ है, जब भी दोनों बॉडी में अगर चेंज आएगा तो एसिलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एसिलरेशन जो था वो वही रहेगा, लेकिन जो टेंशन है, लाइक टेंशन अगर 3 था तो 3 हो जाएगा, अगर 4 था तो 4 हो जाएगा, अगर 5 है तो 5 हो जाएगा। टेंशन क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन जो एसिलरेशन होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको की पॉइंट करके आप लोग लिख सकते हैं। अब आपके पास एक और सिचुएशन है कि अगर मास ऑफ हैवियर बॉडी इज़ 3 times हैवियर देन द लाइटर बॉडी। ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि आपने वैल्यू पुट करनी है कि एसिलरेशन क्या दिया हुआ है जी, मासेस कितने हैं, 2 mass है क्योंकि डबल है ना वो दूसरे वाले मास के, तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है, कट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स क्वाइट ईजी, आप इस क्वेश्चन को बेशक लिख लें, अपने पास ये क्वेश्चन लिख लें। अगर आपसे ये सॉल्व ना हो तो आप लोग जब मुझसे ड्राइव लेंगे तो उसके अंदर ये सॉल्व हुआ हुआ है ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने पास लिख लें, ठीक है, डन। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? वाई कुछ क्यों नज़र नहीं आ रहा, आपका नेट स्लो होगा। आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेट मी डू इट, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? आप बताएं, आप स्क्रीन नज़र आ रही है या अब भी ब्लर है?
इज इट ब्लर्ड? देखिए लिटिल बिट क्लियर तो आई थिंक नहीं हो पाएगी क्योंकि आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. क्लियर है? हाँ मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग उसकी फिक्र नहीं करें. ठीक है मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा. बाकी ये जो नोट्स हैं ना ये ड्राइव के अंदर हैं तो आप लोग उसकी फिक्र नहीं करें. ठीक है ब्लर है, आप लोग एटलीस्ट सुन पा रहे हैं तो इतना काफ़ी है. अच्छा आपका केस टू क्या है? आपका केस टू ये है कि जब एक बॉडी वर्टिकल है और अदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है तो आपके पास क्या होगा? तो आपने याद रखना है एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको जस्ट याद रखना है m1 plus m2 होगा. ठीक है एक्सेलरेशन क्या है? m1g upon m1 plus 2 है. और टेंशन क्या होगा? m1 m2g m1 plus m2. ये आपने सिर्फ इसके याद रखने हैं. ठीक है एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों आपके पास आते हैं, अब मतलब आपसे पूछा जाता है. अब आपने इसमें एक ये चीज़ याद रखनी है कि जो मास वन होता है ना वो कौन सा वाला होता है जो हमेशा डाउनवर्ड होगा, जो मास टू होता है ना. अच्छा आपने एक चीज़ याद रखनी है, मास वन बहुत क्यूट है, बहुत हमेशा से हैवी है, हमेशा से डाउनवर्ड रहता है. ठीक है चाहे वो वर्टिकली हैंग के लिए हो या दूसरे के लिए हो. ठीक है अच्छा ये आपके पास एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेते हैं कि बताएं कि एक्सेलरेशन जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो क्या होगा. मेरे पास पेन नहीं है वरना मैं आपको बताती. आपके पास ये समटाइम क्या कर लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना जहाँ जो लिखा हुआ है मास वन, ठीक है जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है इसको मास टू कर देंगे. तो अगर इसको मास टू कराना तो जहाँ जहाँ एम वन लिखा है ना उसकी जगह आप एम टू लिखोगे. क्लियर है? और अगर ये बात क्लियर नहीं है तो मैं ये बात आपको दोबारा पेन एंड पेंसिल से करके बता दूँगी क्योंकि अभी मैं आपको नहीं करके दिखा सकती. अभी मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है और इसके ऊपर मैं कुछ भी एडिट नहीं कर सकती. ठीक है अच्छा ये वही फर्दर आपके फार्मूलाज आ गए. ये क्वेश्चन भी आप लिख लीजिएगा, अगर मास आपके पास डबल जाते हैं और एक बॉडी वर्टिकली हैंग कर रही है तो आप बताएं आपका एक्सेलरेशन क्या होगा. ठीक है इस क्वेश्चन को लिख लें, ये क्वेश्चन को लिख लें, इसका आंसर आपके पास गिवन है ड्राइव में. इस कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू फॉर दिस. अच्छा लेट्स टॉक अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये क्या होता है? बेसिकली आपके पास हमारे पास एक आइसोलेटेड बॉडी जिसके अंदर टोटल मोमेंटम बिफोर और आफ्टर सेम रहेगा, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन. ठीक है अगर आपसे बात करते हैं व्हाट इज मोमेंटम, तो मोमेंटम याद रखिएगा मोमेंटम को पी से करते हैं. ठीक मोमेंटम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को किससे शो करते हैं एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम. What is the formula of momentum? Can anyone tell? What is the formula of momentum? ठीक है momentum P show करते हैं, P is equals to mv. P is equals to mv momentum का formula. अच्छा अगर आप m है तो what is formula of m? M का क्या यूनिट होता है? kg. ठीक है very good. सही है P इज इक्वल्स टू एम वी, पी से शो करते हैं. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, फॉर्मूला एम वी आ गया. व्हाट इज़ द यूनिट, वेरी गुड P इज इक्वल्स टू एम वी. व्हाट ऑफ यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है केजी होता है मास के लिए तो मास केजी, और वी क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है न्यूटन सेकंड आपका बाद में जाके बनता है, पहले क्या बनता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आपके पास सम टाइम क्या करते हैं, तीन ऑप्शन दिए होते हैं उसमें, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन सेकंड दिया होता है और नन दिया होता है, दूसरा ऑल दिया होता है, तो इसमें क्या आएगा ऑल. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा यहाँ पर एक और बात मुझे समझानी है. देखिए दो मासेज हैं जहाँ पर मैंने NTS लिखा हुआ है क्वेश्चन, जहाँ दो सर्कल बॉडीज बनी हुई हैं. ठीक है दो मासेज हैं हमारे पास, एक M1 है और एक M2 है. आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा होता है, ठीक है एक M1 है एक M2, आपके पास क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि आप ये बताएं दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें तो आप ये बताएं कि इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बनेगा. आपने यूनिट देखना है, सही है आपको पता है M1 U1 प्लस M2 U2 इज अ फॉर्मूला. आपने क्या देखना है, ये टूवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है टूवर्ड M1 किसकी तरफ मूव कर रहा है, टूवर्ड M2, सही है. M1 की डायरेक्शन किस तरफ है, प्लस एक्सिस की तरफ है, तो इसका मतलब है ये प्लस M1 U1 होगा.
लेकिन जो दूसरा M2 है, M2 देखें मूव कर रहा है टूवर्ड्स M1, तो इसका टूवर्ड क्या दे रहा है हमारे पास, नेगेटिव एक्स एक्सिस दे रहा है, क्योंकि उस तरफ कौन सा एंगल होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा M1U1 माइनस M2U2, वाई माइनस M2, क्योंकि M2 की जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट है, ठीक है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन कर रहा है तो क्या होगा, M2 डिफरेंट तरफ जा रहा है, डिफरेंट एक्सिस, तो वो माइनस एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ये एक्सिस देख सकें, माइनस एक्स किस तरफ होता है, ऑन द अदर साइड, प्लस एक्स उस तरफ। अब नेक्स्ट वाला चेक करिएगा, जो नेक्स्ट है आपके पास दो बॉडीज़ हैं V1 और V2, दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन माइनस का साइन किसके साथ लगेगा, ठीक है, माइनस का साइन किसके साथ लगेगा, MDCAT रिकंडक्ट कन्फर्म है या नहीं मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। आपके पास माइनस का साइन किसके साथ लगेगा, आप पहला वाला देखें, अपोजिट मूव कर रहा है टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्स की तरफ है, तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस M1 V1, और दूसरा वाला किस तरफ मूव कर रहा है, टूवर्ड्स द प्लस एक्स, तो ये क्या होगा, प्लस M2 V2। आपके पास सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते पेपर में, आपको समझ नहीं आता ये कैसे करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखना है। अगर आपके पास एक तरफ, नाउ वी हैव द कोलिजन्स की टाइप्स, इलास्टिक कोलिजन, व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, ये पेपर का क्वेश्चन है और इतनी दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, जबकि इन इलास्टिक में क्या होता है, इन इलास्टिक में क्या होता है, वेरी गुड, काइनेटिक एंड मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और व्हाट अबाउट द इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक, इन इलास्टिक में क्या होगा कि कोलिजन हमारे पास किसका चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट के हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें आपने कोई डेरिवेशन नहीं देखनी, सिर्फ V1 का फॉर्मूला देखना है, V2 का फॉर्मूला आना चाहिए। V1 का फॉर्मूला क्या है ये पूरा लिख लें अपने पास, V2 का फॉर्मूला क्या है ये लिख लें, आपको आना चाहिए, ठीक, लिख लें और फिर मूव ऑन करते हैं। अगर कोई इसके नोट्स बनाएगा प्रॉपर तरीके से तो यू गाइस हैव टू सेंड मी द PDF, मैं उसको देखूंगी, अगर वो मुझे ठीक लगा तो आई शेयर दैट वन। बाकी वैसे ही आपको ड्राइव में मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस, इसके साथ जो फॉर्मूला शीट है वो भी मिल जाएगा। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट सम, आपके पास कुछ जो है ना वो केसेस हैं, ठीक है, कुछ केसेस हैं। मरियम बतूल कुछ पूछ रही हैं, मैं कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रही, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंटरप्टिंग एवरीवन आउट देयर, बट स्टिल इफ़ यू आर सेइंग कि रिपीट होगा, रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा, सो देर इज़ 99% चांस ऑफ रिकंडक्ट एंड देर इज़ 1% चांसेस कि मे बी इट्स नॉट गोना बी रिकंडक्ट, ठीक है। बाकी आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है कि रिकंडक्ट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, इसीलिए मैंने जो है वो रिविजन सेशन रखे हैं। इट टेक्स माई टाइम, ऑल्सो योर टाइम, बट इंशाल्लाह ताला वर्थ इट गुजरेगा आपके लिए, ठीक है। तो येस वी हैव, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट व्हेन हैवी बॉडी स्ट्राइक, जब डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, ब्लर है, स्टिल बहुत ब्लर है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, बट अगर आप इसको रीड कर सक रहे हो तो इट्स वेरी गुड। अच्छा देखिए, आपके पास क्या है, आपके पास ये आती हैं, आपने सिर्फ, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता रही हूँ, इन स्टेज, इन सारे जो केसेस है ना, इसके की पॉइंट्स सुन लें आप लोग। व्हेन हैवी बॉडी स्ट्राइक्स विद द लाइटर बॉडी एट रेस्ट, आपने याद रखना है दो बॉडीज़ हैं, एक हैवी बॉडी है और एक लाइट बॉडी है, ठीक है, एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है। अब इस, अच्छा एक बात बताऊँ, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, दे आर रियली टफ इन अ सेंस, बिकॉज यू डोंट नो द शॉर्ट ट्रैक्स, दैट्स वाई दे आर टफ, बट वंस यू नो द फार्मूलाज, जो कि आपके पास ट्रिक्स हैं बेसिकली, अ स्मॉल फार्मूलाज जो कि कवर अप कर रही हैं पूरी चीज़ को, तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ इन द लास्ट ईयर करूँगी मैम, ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये रिकॉर्ड हो, बट इफ़ लेट सपोज नहीं हो सका तो आई डोंट नो। अच्छा, व्हेन हैवी बॉडी स्ट्राइक विद द लाइट बॉडी एट रेस्ट, आपके पास दो बॉडीज़ हैं, एक हैवी बॉडी एक लाइट बॉडी है। अब एक क्या है रेस्ट में, लाइट बॉडी इज़ इन द रेस्ट, आप प्लीज़ मेरे वर्ड्स पे फोकस करिएगा, स्क्रीन बेशक ब्लर हो बट आई एम सेइंग
एवरीथिंग वेरी क्लियरली. तो आई थिंक आप मेरे वर्ड्स पे फोकस करें. वी हैव टू मासेस, एक ग्रेटर है, हैवी है, दैट इज़ M1, एक स्मॉल है M2. ठीक है, M2 क्या है, रेस्ट में है. रेस्ट को मैं जीरो कह रही हूँ, M2 जीरो है. ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा, रेस्ट में है. M1 मूव कर रहा है M2 की तरफ. M1 बहुत भारी है, इट्स क्वाइट हैवी. जब भारी चीज़ आपके स्मॉल चीज़ जो कि रेस्ट में, जिसने किसी को कोई नुकसान नहीं दिया, उसकी तरफ मूव कर रही है, तो अब आप खुद सोचें U1 क्या करेगा. हमारे पास बेसिकली जो U1 स्पीड को कह रहे हैं, V1 फाइनल स्पीड को कह रहे हैं. ठीक है, तो V1 इज़ अ फाइनल स्पीड ऑफ U1 यानी पहली बॉडी का, V2 इज़ अ फाइनल स्पीड ऑफ सेकेंड बॉडी. ठीक है, तो जो V1 होगा, जो बड़ी बॉडी है, वो जैसे मूव कर रही होगी ना, करती जाएगी, उसके लिए छोटी सी प्रॉब्लम यानी ये छोटा सा मास कोई मैटर नहीं करता. ठीक है, लेकिन जो V2 है यानी जो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसके लिए वो हैवी मास बहुत मैटर करता है. ठीक है, वो जो स्टॉप थी यानी जो ज़ीरो पर थी, वो मूव करने लगेगी किस तरफ, डबल. ठीक है, डबल डायरेक्शन ऑफ U1, 2U1 पे मूव करेगी. तो ये आपने याद रखना है कि V1 क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, और V2 क्या होगी, डबल ऑफ इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, द व्हेन लाइटर बॉडी स्ट्राइक विद द हैवी बॉडी एट रेस्ट. यस, वेरी गुड, M2 विल मूव द डबल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ M1, वेरी गुड. अब आपके पास क्या है, दो एक बॉडी है जो लाइट है, वो मूव कर रही है हैवी की तरफ, तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है इंटरचेंज हो जाएगा. ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और हैवी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा. वेरी गुड, ठीक है, V1 U1 हो जाएगी, V2 क्या हो जाएगी, 2U1, वेरी गुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, जब आपके पास लाइट बॉडी स्ट्राइक कर रही है हैवी पे, तो आप मुझे बताएं कि क्या होगा, हैवी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, लाइट पे क्या इफेक्ट होगा, जल्दी जल्दी बताएं. लाइट बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा और हैवी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, लाइट बॉडी क्या होगी, हमारे पास उसके ऑपोजिट मूव करने लगेगी अपनी ही डायरेक्शन से, अपनी ही उससे, जबकि जो हैवी बॉडी होगी ना, वो जीरो रहेगी, उस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा. छोटी सी प्रॉब्लम का उस पर क्या असर पड़ेगा. अब आपके पास नेक्स्ट है, व्हेन फर्स्ट बॉडी स्ट्राइक विद द सेकंड बॉडी एट रेस्ट, मास सेम है हमारे पास. जब भी याद रखिएगा, मास सेम होंगे तो जो भी आपस में टकराएंगे ना, उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी. आप लोग लिख लें, ठीक है, जब भी मास सेम होंगे ना, तो उनकी जो वेलोसिटी होंगी वो इंटरचेंज हो जाएंगी. यानी U1 हमारे पास मूव कर रहा था, अब U1 जीरो हो जाएगा, V1 जीरो हो जाएगा और V2 U1 हो जाएगा, मास इंटरचेंज. यस, वेरी गुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन सेकंड बॉडी स्ट्राइक विद द फर्स्ट बॉडी. अब एक सेकंड बॉडी स्ट्राइक करिए फर्स्ट बॉडी से, ठीक है, जबकि हमारे पास सेकंड बॉडी क्या है, दोनों के मासेस सेम है. तो जब मैंने आपको कहा है मास सेम होगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, दैट्स इट. आपने बस क्या करना है, इंटरचेंज करना है, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, आपके पास M1 रेस्ट पे थी और M2 मूव कर रही है, तो अब क्या हो जाएगा, M2 रेस्ट में हो जाएगी, V1 U2 से मूव करेगी और जो V2 है वो रेस्ट पे हो जाएगी. ठीक है, इंटरचेंज रहेगा. ये चीज़ बेशक लिख लें कि मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम मोमेंटम क्या होता है, हमेशा इंटरचेंज हो जाता है. अब व्हाट अबाउट द इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन आई थिंक ये टॉपिक आपके उसमें इंक्लूड नहीं है, बट स्टिल मैंने इसको लिख दिया. इंक्लाइंड प्लेन होता क्या है, कोई भी थीटा का एंगल बनना इज इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, रेस्ट में इसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा, क्या होता है, F=W sin थीटा. इंटरचेंज का मतलब होता है कि आपस में चेंज रहेगा, लाइक M1 का जो मास था, M1 का जो वेलोसिटी थी वो M2 की हो जाएगी और M2 की जो वेलोसिटी थी वो M1 की हो जाएगी. ठीक है, नाउ एट रेस्ट हमारे पास क्या होगा, F=W sin थीटा, R कितना होता है, cos थीटा. ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रख लें. F किसके इक्वल था, W sin थीटा - F. F इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो स्मॉल F है ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, एक यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको याद करिएगा प्लीज़, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास फॉर्मूला है S=V²20 sin थीटा. ठीक, अब आपके पास जब भी आपके पास स्पीड की बात करें, वेलोसिटी की बात करें और साइन दिया हो, ठीक, तो आपने ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है, दैट्स इट. आपने डायरेक्ट यूज़ करना है S=V²20 sin थीटा, सही है. अब आपके पास जो समटाइम्स साइन की वैल्यू नहीं दी होगी और हाइट और लेंथ दिया होगा, ये आपके पास पास पेपर में आ चुका है, हाइट और लेंथ दिया हुआ होगा, तो जस्ट हाइट और लेंथ लिख देंगे, साइन थीटा को हटा दीजिएगा.
इंक्लाइन प्लेन का क्या बताऊँ, इंक्लाइन प्लेन के अंदर सिर्फ आपने दो फार्मूलाज याद रखने हैं। एक आपके पास ये है कि एफ़ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज़ एफ, स्मॉल एफ, ठीक है। अब अगर आपके पास फोर्स की जगह मास या एरिया दिया होगा तो आप मास एरिया लिख दोगे, दैट्स इट। अगर फ्रिक्शन नहीं दी होगी तो फ्रिक्शन को जगह जीरो लिख दोगे, दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, रिपीट में दोबारा नहीं करी, मैंने दूसरी दफ़ा रिपीट किया, आप लोग वीडियो ये सेव कर लूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, दैट्स क्वाइट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट बट इट इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन का है, अच्छा फॉर्मूला रिपीट कर देती हूँ, फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स स्मॉल एफ, ठीक है। जब आपके पास डब्ल्यू की बात ना दियो, डब्ल्यू ना दियो तो दैट इज़ एम जी, फोर्स क्या होगा एम ए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बेसिकली ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। आप लोगों की फ़ी मुझे रिसीव, काइंडली जो भी मुझे फ़ी सेंड कर रहे हैं ना, मुझे ज़रूर ज़रूर स्क्रीनशॉट भी शेयर किया करें, आप स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर किया करें। कुछ बच्चे फ़ी सेंड कर देते हैं और उसके बाद स्क्रीनशॉट दो दिन बाद दिखा रहे होते हैं और इतना लेट, तो काइंडली जो फ़ी सेंड कर रहे हो ना तो स्क्रीनशॉट भी भेजो, ताकि मैं आपकी ड्राइव अगर दे रही हूँ तो मुझे पता हो कि मैं किसको दे रही हूँ। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट दिस फार्मूला। अच्छा आपके पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिफरेंस सेम, व्हेन डिस्टेंस इज सेम। अच्छा देखिए, साइन थीटा की ये बात थी कि हाइट अपॉन एल, आपने शायद याद किया होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। अगर नहीं किया हुआ तो एक शॉर्ट सी ट्रिक है, मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। आपके पास बेसिकली क्या होता है, साइन किसके इक्वल होता है, एच अपॉन एल के इक्वल होता है, ठीक है। तो हाइट अपॉन लेंथ के इक्वल हो गया साइन थीटा। आपके पास अगर साइन थीटा नहीं गिवन होगा तो हाइट अपॉन लेंथ गिवन होगा, तो आपने हाइट अपॉन लेंथ को ले लेना है, मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। समटाइम नहीं देते क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए हाइट अपॉन लेंथ गिवन है तो वो साइन थीटा को रिप्लेस कर सकता है। अब एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे आइएगा जहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वेश्चन आता है, ये मैं आपसे आगे क्वेश्चन पूछूंगी। आपके पास दो स्टेटमेंट, एक चीज़ याद रखिएगा, इसको लिख लें, व्हेन डिस्टेंस इज सेम बट स्पीड इज़ डिफरेंट, ठीक है। डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस सेम बट स्पीड डिफरेंट, इसको लिख लें, व्हेन डिस्टेंस इज सेम बट स्पीड इज़ डिफरेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये पूरा का पूरा, ये पूरा पास्ट पेपर का क्वेश्चन लिखा है मैंने, मेरे नोट्स नहीं दिख रहे, आई नो एवरीथिंग इज़ गिवन इन द ड्राइव बट यू गाइज कैन सी व्हाट एक्चुअली आई एम टेलिंग, ठीक है। ओके, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, सेम डिस्टेंस बट डिफरेंट हमारे पास क्या होगी, स्पीड। स्पीड जब डिफरेंट होगी तो क्या होगा, 2v1 v2 v1 plus v2, ये फॉर्मूला ये याद रखना है, 2v1 v2 v1 plus v2, ओके, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, 2v1 v2 v1 plus v2, ये हमारे पास तब यूज़ होगा जब डिस्टेंस सेम होगा बट आपके पास स्पीड डिफरेंट होगी, क्लियर है। इसी के अगेंस्ट जब स्पीड डिफरेंट होगी और टाइम सेम होगा तो आप लोगों का फॉर्मूला यूज़ होगा v1, जब आपके पास टाइम डिफरेंट होगा, आपने ये चीज़ याद रखनी है, व्हेन टाइम इज़ डिफरेंट, तो आपके पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज़ होगा, v1 plus v2 upon 2, दैट्स इट। इसे लिख लें प्लीज़। मेरे ये नोट्स आपको मेरी ड्राइव से मिलेंगे और मेरी ड्राइव का, इफ़ यू गाइज नो, मैंने वैसे ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर लिया है, ये मेरे सारे नोट्स जो है ना वो ड्राइव में हैं, यू गाइज़ कैन बाय दिस थिंग्स। अच्छा देखिए, आपके पास क्या है, व्हेन स्पीड इज़ डिफरेंट बट टाइम इज़ सेम, आपका पास टाइम क्या है, सेम है, तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, एस इज इक्वल टू v1 plus v2 upon 2, क्लियर है। डू आई हैव टू मूव नेक्स्ट, यही क्वेश्चन मैंने कुछ लास्ट में MCQs भी रखे हैं, तो यही क्वेश्चन मैं आपके पास लास्ट में पूछूंगी। बाकी एक फॉर्मूला है, इसको लिख लें, एफ सी इज इक्वल टू mv² upon r, ठीक है, fc = mv² upon r, ये फॉर्मूला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चार्जेस आर 2000 rupees एंड इन दैट गोल्ड बंडल ड्राइव वी हैव एवरीथिंग, पास पेपर्स भी हैं विद द की, आप की इन द लास्ट, पास पेपर सॉल्व नहीं है, आप सॉल्व करोगे उसके बाद की गिवन होगी, उसके बाद आप की से चेक कर सकते हो कि आपके कितने गलत हैं कितने सही हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली लेक्चर्स क्लास ले सकूँ।
ओके एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, फोर्स का ये फॉर्मूला है, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मैं जो बातें लिखवा रही हूँ ना, मेरे नोट्स में नहीं लिखी, मेरे नोट्स में मैक्सिमम हर चीज़ लिखी, लेकिन जो बातें लिखवा रही हूँ उसको भी लिख लें। एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हम आते हैं फार्मूलाज पे, ठीक है। ये बेसिकली फार्मूलाज मैंने सारे कंपाइल किए हुए हैं और इस तरह से हर चैप्टर की मैंने अलग से लगाए हुए हैं, तो आप लोग इसको देख लें। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, इससे पहले मैं एक चीज़ कराना चाहूँगी, एक फार्मूला, इस फार्मूला जो ब्लैक से लिखा हुआ ना, दिस फार्मूला इज हेवन, इसको सेव कर लें, ठीक है। एस एन इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए अपॉन टू टी टू एन माइनस वन, ठीक है, इसको सेव कर लें। एस एन क्या है, हमारे पास स्पीड है, वी आई इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी, ए अपॉन टू टू एन माइनस वन। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम, थैंक यू सो मच। ऑर्गेनिक करवाएं, ऑर्गेनिक की पूरी हमारी सीरीज सेव है, तो अगर मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, स्पीड क्या है हमारे पास, वी आई प्लस ए अपॉन टू टू एन माइनस वन। आपके पास, आपको याद होगा, आपकी इवन एक एग्जाम्पल है, जस्ट लिसन प्लीज़, आपको याद होगा आपकी एक एग्जाम्पल है फिजिक्स की बुक में फोर्स एंड मोशन के अंदर, जिसके अंदर एन सेकेंड का जिक्र है और पेपर में बहुत आता है, ठीक है, बहुत आता है कि स्पीड फाइव से स्पीड है, आप बताएं इसका डिस्टेंस बताएं, ठीक है, फाइव मिनट से फोर मिनट का दरमियान का डिस्टेंस बताएं, सिक्स मिनट से एट मिनट के दरमियान का डिस्टेंस बताएं, ठीक है। आपको ये सारा कुछ पता है, ये सारा कुछ आ रहा होता है आपका कि फोर मिनट से फाइव मिनट का डिस्टेंस बताएं। आपको सिर्फ एक फार्मूला यूज़ करना है इसके अंदर, एंड दैट इज़ अ ट्रिक। उसमें हालांकि आपके पास इतने ज़्यादा फार्मूलाज हैं, अप्रॉक्स तीन फार्मूलाज यूज़ करना है, इसके बाद आंसर आएगा। बट ये तीन फार्मूलाज है, इन तीनों का सम है, इसको लिख लें। एस एन, एन क्या है, बेसिकली टेलिंग यू द डिस्टेंस, वी आई प्लस ए अपॉन टू टू एन माइनस वन। अब यहाँ पर एन, इस एन की जगह आप फाइव लगाएंगे, क्यों, मेरे क्वेश्चन में क्या है, फाइव से फोर सेकेंड के दरमियान, ठीक है, फाइव से फोर सेकेंड के दरमियान, इसका मतलब है फाइव वाला टाइम लोगे आप। आप फाइव लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या है आपके पास, एसेलरेशन आया, क्योंकि डिस्टेंस गिवन है, आपके पास एसेलरेशन आ गया। समटाइम्स सिर्फ एसेलरेशन पूछते हैं तो एसेलरेशन तक आपका आंसर क्लियर है, ठीक है। बट अगर पूछते हैं कि उसका डिस्टेंस बताओ, तो आपको पता है कि एक और फॉर्मूला है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस वन पॉइंट टू ए टी स्क्वायर, सेकेंड द मोशन ऑफ फोर्स है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट उसको यूज़ करना है, एंड दैट्स इट, क्लियर है। मैं हाईलाइट नहीं कर सकती, इवन मैं राइट भी नहीं कर सकती इसके ऊपर, उसका रीज़न है, मैंने पहले बताया था कि मैं इसके ऊपर राइट नहीं कर सकती, मेरा ये वर्क नहीं कर रहा, अदरवाइज़ मैं हमेशा उस पर राइट करके ही बताती हूँ। यस, आई विल रिकॉर्ड, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड, ठीक है। आप इसको लिख लें, ये फार्मूला मुझे लगता है कि दिस इज़, इसने मेरे बहुत बहुत ज़्यादा काम आसान किए, फार्मूला आप लोग लिख लें, एमसीक्यूज़ में बहुत आता है और बहुत मुश्किल लगता है। अगर आपको नहीं पढ़ने में आ रहा तो मैं आपको रीड कर देती हूँ, एस एन इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए अपॉन टू टू एन माइनस वन, ये फार्मूला आपको कहीं नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया, ये पीछे एमसीक्यूज़ हैं वो हम बाद में शेयर करते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फार्मूलाज ऑफ दिस होल चैप्टर, ठीक। ड्राइव के अंदर ये भी गिवन है, फार्मूलाज ऑफ द होल चैप्टर इज गिवन इन द ड्राइव, क्लियर है। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आपसे ओवरटेक, आपको याद होगा कुछ क्वेश्चंस होते हैं ओवरटेक वाले, ठीक है। हाँ, ये ग्रुप में सेंड हो जाएगा, डोंट वरी, जो भी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम द, यस सेंड हो जाएगा, ठीक है, और वीडियोस के अंदर भी ऑलरेडी है। अच्छा लिसन, जो ओवरटेक की बात करती ना मैं, आपके पास क्वेश्चन आते हैं, एक गाड़ी ने एक बाइक को ओवरटेक करा, जब भी ओवरटेक का क्वेश्चन आएगा आपने एक ही फॉर्मूला यूज़ करना, दैट इज़ एस इज इक्वल्स टू टू वी स्क्वायर अपॉन ए, डोंट गो इन एनी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख लें। जब भी ओवरटेक की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, फिर आपसे वो बोल रहे हैं कि आप एसेलरेशन बताओ, फिर वो आपसे बोल रहे हैं कि वेलोसिटी बताओ, कुछ भी फाइंड करना है ना, ओवरटेक का फॉर्मूला आपने ये लिखना है, एंड दैट्स अ ट्रिक, एंड दैट्स नॉट अ फॉर्मूला दैट इज एग्जिस्ट, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं जो एग्जिस्ट करता हो, ये बहुत सारे फॉर्मूलाज को कंपाइल करके बनाया गया, दैट इज एस इक्वल्स टू टू वी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक, जब ओवरटेक की बात करेंगे, इसको लिख लें। आई शेयर लीशा, मैं ऑर्गेनिक के सारे लिंक शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। अच्छा, जब आपके पास बात करते हैं, आपके पास दो टाइम्स दिए होते हैं, सही है, जब भी दो टाइम्स दिए होते हैं ना, तो आपने इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लिखना है, एस एन इक्वल्स टू वी आई प्लस ए अपॉन टू टू एन माइनस वन, इसे लिख लें, सही है। अब आप एक बात याद रखिएगा, आपके पास एसेलरेशन के सारे फार्मूलाज मैंने करवा दिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बोथ मास अगर डाउनवर्ड हैं तो एसेलरेशन का ये फार्मूला होगा, टेंशन का ये फार्मूला होगा,
अगर एक डाउनवर्ड है तो एसेलेशन का ये फार्मूला होगा, टेंशन का ये फार्मूला होगा, एमसीक्यूज में आता है। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट स्लोली करती हूँ। अच्छा SN इज इक्वल्स टू VI प्लस A अपॉन 2 2N माइनस 1। ये जब भी कब यूज़ करेंगे, जब दो टाइम होगा, यानी आपके पास बोला कि चार से पाँच सेकेंड के दरमियान का डिस्टेंस निकालो या एक्सेलरेशन निकालो, तब आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, कोई भी लॉ का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आपके पास जब भी वर्टिकल सर्कल की बात करें तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, टेंशन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा टी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस जी। अगर टॉप की बात करेंगे तो क्या होगा, टी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस जी। अच्छा अब हम बात करते हैं एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। ठीक है, आपके पास क्या फॉर्मूला है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। अब आपके पास जब भी बात करते हैं विलोसिटी एट मिड पॉइंट क्या होगा, वी इनिशियल स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर अपॉन टू एंड स्क्वायर रूट। यस आई विल शेयर ये वीडियो, यहाँ पर होगी तो आप लोग देख लीजिएगा ना, यूट्यूब पर है, मैं कोशिश करूँगी यूट्यूब पर सेव रहेगी। और अगर ये फार्मूलाज आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं ना, तो ये मेरे ड्राइव में गिवन है, बाकी मैंने रखा हुआ है, आप लोग लिख लें। मेरे ड्राइव में सारे फार्मूलाज हर चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं। थैंक यू सो मच अरीशा, थैंक यू सो मच आमीन। ठीक है, वी इज इक्वल्स टू, हमारे पास जब भी मिड पॉइंट की बात करते हैं ना, तो वी इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर अपॉन टू। अब आपके पास इंक्लाइन का डिस्टेंस, ये मैं पहले करा चुकी हूँ, एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 20 साइन थीटा। अब साइन थीटा की जगह क्या आता है, एच अपॉन एल। क्लियर है। अब एक फॉर्मूला है जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को शो करता है, आपके पास पेपर में आता है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर, पी क्या है हमारे पास, मोमेंटम है। ये आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वेलोसिटी एट मिड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट v इनिशियल स्क्वायर प्लस v फाइनल स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100। जब आपके सामने क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक का पूछते हैं, यानी अगर आपसे क्या पूछ रहे हैं कि मोमेंटम बताओ, तो आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट माइनस वन, काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100। अब फोर्स का एक और फार्मूला है, एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर, ये म्यू है। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर। अब म्यू का फार्मूला है, आपके पास सम टाइम फोर्स नहीं दिया होता, ठीक है, एक्सेलरेशन और जी होता है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ए इज इक्वल्स टू म्यू जी, ए इज इक्वल्स टू म्यू जी। आप मुझे बताइएगा मैं ये कब आगे मूव करूं पेज, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। नो आई एम नॉट गोना कंप्लीट टुडे द होल फिजिक्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, आई जस्ट कंप्लीट द वन चैप्टर दैट इज फोर्स एंड मोशन, एंड बेसिकली दिस इज अ रिविजन क्लास एंड यू विल गेट ऑल द बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉल क्वेश्चन देयर। ये फोर्स का फॉर्मूला फ्रिक्शन का नहीं है, ठीक है, एफ ये फोर्स है, एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर इज अ फोर्स। अच्छा टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी वेट। अब फोर्स का पता है आपको, एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो सकता है, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एम जी। आई विल इन्फॉर्म यू बायोलॉजी कब करवाऊंगी, बायोलॉजी भी हमारा होगा साथ में ही, डोंट वरी। किसी ने पूछा भाई कि नज़र नहीं आ रहा, ये सब कुछ ड्राइव में गिवन है, ये सब ड्राइव में है, ठीक है, बट फिर भी जो लिख रहे हैं तो उसको लिख लें आप लोग, जो नहीं लिख पा रहे तो यू हैव एवरीथिंग इन द ड्राइव, यू जस्ट हैव टू सी एंड रिकॉल दोज थिंग्स। जो समझ में नहीं आएगा यू गाइस कैन आस्क मी देयर। टॉप वाला जो साइड पर है ना, वो लिखा हुआ है वी इज इक्वल्स टू,
हाँ वीडियो लॉन्ग नहीं है, v इज इक्वल्स टू फाइनल वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर अपॉन टू, ये वेलोसिटी एट मिड पॉइंट पूछा हुआ है, क्लियर है, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट पूछा हुआ है। हाँ मैंने कल बायो बोला था, देन आई सी एवरीथिंग, तो के ना मैंने मैक्सिमम बायो कराया हुआ है एंड केमिस्ट्री कराया हुआ है, और बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में मसला हो रहा था, तो मैंने कहा वाई नॉट टू शेयर द फिजिक्स थिंग्स विद यू। जितनी ड्राइव पे मेहनत हुई है ना, मुझे लगता है इट्स नॉट एक्सपेंसिव, जिसे चाहिए, आई एम नॉट आस्किंग एवरीवन, जिसे चाहिए ना मुझे लगता है कि दे हैव देयर मिशन एंड दे विल बाय इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आमीन, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, आपको भी कामयाब करें। अच्छा मैं, मेरे ख्याल से आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ एमसीक्यू, उसके बाद क्लास वाइंड अप करते हैं। डू आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पेज और आई हैव टू स्टे देयर? यू आर राइटिंग स्टिल। डू आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पेज और नॉट? न्यूमेरिकल्स टफ है ना, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दोज क्वेश्चंस, लाइक वो सारे फॉर्मूलाज जो कि न्यूमेरिकल को ईजी बना सकते हैं, ओनली वन फार्मूला मेक द होल थिंग ईजी, यानी आप जो बुक में तीन तीन फार्मूलाज यूज़ किए हुए ना, उसकी जगह सिर्फ एक फार्मूला यूज़ करोगे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, सिर्फ याद करने की बात है। ओके अच्छा ये हमारा सब हो चुका है। ओके वेट, फोर्स इन मोशन, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, ज़रा क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। अ कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड वी वन एंड द स्पीड ऑफ हाफ विद द वी टू, द एवरेज स्पीड विल बी, मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ कार कवर फर्स्ट हाफ एट सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस का मतलब है कि हमारे पास जो डिस्टेंस वी वन और दोनों का है ना, डिस्टेंस तो सेम है दोनों के लिए, लेकिन बट द स्पीड इज़ डिफरेंट। अब कुछ सोचें दिमाग में, क्योंकि एक स्पीड वी वन है और दूसरा स्पीड वी टू है, सो हु विल टेल मी व्हाट्स द आंसर, व्हाट्स द फॉर्मूला यू हैव टू यूज इन इट, एज आई टोल्ड द ट्रिक इन द प्रीवियस वन। ये जो है ना वो पास पेपर का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, ये आप लोग अपने पास लिख लें, स्पीड डिफरेंट बट द डिस्टेंस सेम, सो इट मीन्स दैट कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला, टू वी वन वी टू, टू वी वन वी टू, वी वन प्लस वी टू, क्लियर है। अब ये स्पीड V1 और V2 को V5 और V6 भी कर सकते हैं, ठीक है, ये V1 और V2 को U1 और U2 भी कर सकते हैं, तो आपने ये चीज़ नहीं देखनी, आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए, जब फार्मूला आएगा ना तो आपको ये जिस तरह चेंज करेंगे आप खुद उसको चेंज कर लोगे। नेक्स्ट रीड करिएगा, अ कार ट्रेवल फॉर सर्टेन टाइम, यस डेली क्लास होगी, इट विल बी डेली एट 8 PM, ठीक है। ओके आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन, अ कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड वी वन एंड द सेकेंड हाफ विद द स्पीड वी टू, द एवरेज स्पीड विल बी, व्हाट विल बी द स्पीड इफ दे आर चेंजिंग द स्पीड, ठीक है स्पीड डिफरेंट है बट द डिस्टेंस इज सेम, तो ये चीज़ लिख लें, वेन एवर द स्पीड इज डिफरेंट एंड द डिस्टेंस इज सेम, तो क्या होगा फॉर्मूला, वी वन प्लस वी टू, वी वन टू वी वन वी टू, वी वन प्लस वी टू, वेरी गुड, किसी ने फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ से देख लें। अच्छा एक और क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रैवल फॉर अ सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम मतलब, सर्टेन का मतलब होता है एक फिक्स टाइम, एक रेगुलर, एक काइंड ऑफ सेम टाइम, ठीक है, यानी टाइम तो हो गया सेम, स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट इज ये और स्पीड ड्यूरिंग दिस, अब आप खुद देखें ये कह रहा है कि टाइम चेंज हो रहा है जबकि स्पीड जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है स्पीड डिफरेंट है, जब भी स्पीड डिफरेंट की बात कर रहे हैं तो टाइम सेम की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या आएगा, वी वन प्लस वी टू अपॉन टू, क्लियर है क्या फॉर्मूला आएगा, राइट दिस फॉर्मूला काइंडली, वेरी गुड, कोई बच्चा जो है ना इस फॉर्मूला को लिख ले ताकि सबके लिए आसान हो जाए, और ये बात भी लिख लीजिएगा, स्पीड डिफरेंट और टाइम सेम, तो ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, क्लियर है। वेरी गुड ठीक है, अच्छा होप सो यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा एंड एवरीथिंग, किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क, और कल जो है ना वो फिजिक्स का ही नेक्स्ट चैप्टर मैं कराऊंगी,
आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये वीडियो सेव हो ऑन यूट्यूब। बाकी जो ये नोट्स मांग रहे हैं, काइंडली मुझसे कोई भी नोट्स ना मांगे, मैं किसी को आंसर नहीं करने वाली जो भी नोट्स की बात करेगा। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया कि नोट्स जो है ना वो ड्राइव के अंदर सेव हैं। इस जैसे और भी बहुत अच्छे नोट्स ड्राइव के अंदर सेव हैं। यू गाइस कैन बाय द ड्राइव, इट हैव एवरीथिंग इन इट। और पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वी आर वर्किंग, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, अप्रॉक्स 2 मंथ्स का। तो हमारे पास फिर उनके लिए भी बहुत सारा कुछ है, बट राइट नाउ वी आर जस्ट फॉर दिस सिंध एंड केपी के स्टूडेंट्स। या ये वीडियो सेव होगी, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो यू गाइस कैन आस्क। बाकी रिकंडक्ट की बात वही लटकी हुई है, 99% यस, 1% नो, ठीक है। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट ही कर दें, क्योंकि आपको पता है कुछ भी हो सकता है, कुछ टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको एकदम से डेट अनाउंस हो जाएगी। और ये सिर्फ पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, ये हर दफ़ा इस तरह के करते हैं हरकतें, ठीक है। लाइक आपके पास इस तरह के कोई ना कोई ब्लंडर्स ज़रूर आते हैं, तो आप लोग खुद को अगर ये सोचें कि यार कैसे होगा ये सब कुछ। प्रोजेक्टाइल मोशन आई विल डू, के आई थिंक नेक्स्ट वाला यही है, आई विल सी। जो भी इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, मैं PMDC के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, तो जो भी उसका नेक्स्ट होगा तो मैं करूँगी। यस, बायो पढ़ाऊँगी, डोंट वरी। और मुझे नहीं, फिज़िक्स के नोट्स नहीं है, फिज़िक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, बायो के भी हैं, मेरे खुद के जो पर्सनल हैंडमेड नोट्स हैं वो भी हैं। इसके अलावा डिफरेंट MCQs भी हैं, वो इम्पोर्टेंट MCQs भी हैं, और डिफरेंट पास पेपर्स हैं, बहुत कुछ है, लाइक इट्स ऑल इन वन। आई सी कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कराऊँ या क्या कराऊँ, मैं देखूँगी, ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह ताला कल देखते हैं। बाकी क्लास हमारी कल भी 8 बजे ही होगी, एंड इंशाल्लाह ताला 9-9 बजे तक हमारा सब वाइंड अप हो जाएगा। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी थिंग यू कैन आस्क मी राइट नाउ। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू लीव द क्लास। ड्राइव इज़ नॉट एक्सपेंसिव, जितनी हमारी एफर्ट्स लगी है ना, ड्राइव इज़ नॉट एक्सपेंसिव। जिन्होंने खरीदनी है ना, मैं सच बताऊँ, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो खरीदने वाले बच्चे होते हैं, जिन्होंने पढ़ना है ना वो खरीद रहे होते हैं। और जितनी हमारी एफर्ट्स लगी है ना, लाइक इट्स नॉट ओनली मी हु इज़ पुटिंग द एफर्ट इन इट, इट्स द होल टीम। ऑफकोर्स दे वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न एज वेल। हम इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं बोला जितना हम, आई थिंक वी डिज़र्व इट। अगर आपको एक्सपेंसिव लग रही है तो आई थिंक यू डोंट हैव टू बाय, बट दोज जिनको उसकी नीड है, जिसको ज़रूरत होगी, ऑफकोर्स दे आर बाइंग इट। और अभी भी मैं जब क्लास ले रही हूँ तो बच्चे मुझे पेमेंट सेंड कर रहे हैं, इवन स्क्रीन शॉट्स वगैरह मैसेजेस इतने आ रहे हैं। बट अभी क्योंकि मैं ड्राइव में, तो आफ्टर दिस आई टाइम डिफरेंट का फॉर्मूला क्या होगा, किसी ने ऊपर लिखा हुआ है तो आप देख लें, टाइम डिफरेंट का फॉर्मूला ऊपर से देख लें, किसी ने लिखा हुआ है, V1+V2/2 होगा, ठीक है। ड्राइव जो है वो बहुत बाद में बनी है बैच के, उसके अंदर हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था, लाइक ड्राइव वाला कोई भी सीन नहीं था। मैक्सिमम मिस प्रोजेक्ट आयल मोशन का फॉर्मूलाज, या सारे फार्मूलाज कराऊंगी, सारे कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। सारे ही फार्मूलाज, सारे चैप्टर्स के ना मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ कि रिकॉल, जैसे बायो पढ़े हैं तो रिकॉल के क्वेश्चन एंड में लिखती हूँ। और क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको पता है आपका मैक्सिमम 70% रिकॉल की चीज़ें बनती हैं, और हम यहाँ पर जो है ना वो मैक्सिमम रिकॉल की क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं। और जो ड्राइव के अंदर भी रिकॉल का अलग से ही सब कुछ है कि ये रिकॉल के क्वेश्चंस हैं, ये लाइक फार्मूलाज के शीट हैं, चैप्टर वाइज फार्मूला शीट, तो आपके लिए बहुत हेल्प, आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्प आउट होगा सब कुछ उससे। नो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, नो इट्स ओके। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, कल भी हमारी 8 बजे ही क्लास होगी।